नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 9 कोरोना संक्रमित के जान गेल। देश भर थप 1476 गोटे में कोरोना संक्रमण। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश आधार इन भेल दल दर्ता विरुद्ध परल रिट में सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से अंतरिम आदेश देव अस्वीकार। अपना माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल संग चुनाव लड़त तैयार रहल। नेकपा एमाले के नेता एवं पूर्व गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल के कहब। पार्टी के 14 महाधिवेशन के मिति नहीं घुसकत नेपाली कांग्रेस से स्पष्ट। आ इजराइल जा के लेल कहत आवेदन देने में से करीब 28 से गोटे नकली कागज पत्र पेश के ने। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 9 कोरोना संक्रमित के जान गेल। अहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 11081 पहुंचल। देश भर थप 1476 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में पीसीआर परीक्षण केला पर 1103 आ एंटीजन परीक्षण केला पर 373 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 1550 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में अखन 20287 गोटे सक्रिय संक्रमित है। अखन धरि 7,89,872 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल है। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3, महोत्तरी में 1 आ परसा में 1 गोटे संक्रमित भेटल। अहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,257 पहुंचल। प्रदेश दू में जान गुमौनिहार के संख्या 1037 पहुंचल। प्रदेश दू में अखन धरि 37,077 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल। प्रदेश दू में अखन 143 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश आ ओहि के आधार में भेल दल दर्ता विरुद्ध परल रिट में सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कलक। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीश सब दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की आ ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के संवैधानिक इजलास अंतरिम आदेश जारी नहीं हैत आदेश दलक। सरकार केंद्रीय कमिटी व संसदीय दल के 20% पहुंचाकर दल विभाजन कर सक जका भादो दू में राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश आने छल। अध्यादेश अनुसार एमाले विभाजन भ कऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी आ जनता समाजवादी पार्टी विभाजन होइत लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भेल। दुनू दल के निर्वाचन आयोग भादो 9 में दल दर्ता के प्रमाण पत्र समेत द चुकल। लेकिन अध्यादेश आ ओहि के आधार में भेल दल दर्ता गलत भेल कहत सर्वोच्च में अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुन कुमार अरियाल, दल बहादुर रामी लगायत रीट रखने छल। भादो 11 आ आसिन 1 में नई देख मिलल में रीट में शुक्र दिन संवैधानिक इजलास में प्रारंभिक सुनवाई भेल। राष्ट्रीय सभा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के विरोध के बीच बजट संग संबंधित दूटा विधेयक आगा बढ़ौलक। शुक्र दिन बैठक शुरू होब साथ एमाले संसदीय दल के नेता खीमलाल देवकोटा अपना सब के विरोध कायम रहल बतौलन। सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा आर्थिक विधेयक आगा नहीं बढ़ धरि समग्र राष्ट्र ठप हेबाक स्थिति रहल बतौलन। एमाले के अवरोध के बीच आगा बढ़ेनाई नीक नहीं लागि रहल कहत ओ बेर बेर बैसा आग्रह कलन। लेकिन एमाले सांसद सब अपन अपन स्थान में ठार भ रहला बाद ओ बैठक आगा बढ़ौलन। बैठक में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2078 ऊपर विचार कैल जा कहकर प्रस्ताव पेश कलन। दुनू प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल। दुनू विधेयक ऊपर दफावार छलफल के लेल 11 गते बैठक तोकल गेल। सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा जानकारी देलन। प्रदेश दू सरकार जानकी मंदिर के सौंदर्यकरण बिगाड़ के काज के ने आरोप गौ संरक्षण मंच लगौलक। जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करत मंचक अध्यक्ष जगदीश महासेठ जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में पौर नहीं देव मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत षड्यंत्र तहत मंदिर के पौराणिकता मौलिकता आ पुरातात्विक महत्व रहल संरचना तोड़त सौंदर्यकरण के नाम में नया टाइल्स मार्बल आ विद्युतीकरण करो ने आरोप लगौलन। मुख्यमंत्री प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत जी के हम एक जानकी मंदिर के सौंदर्यकरण कर रहा छी जबकि जानकी माता के मंदिर अपने आप में सुंदर है। वही के बहाना में आके जो पुरातात्विक हिसाब से जो लागल छे अपने के ईटा वगैरह या स्टोन ओकरा अहाँ के छोड़ के आ टाइल्स के प्रयोग कल के टाइल्स अखन लगा दिल से जो अपने सब प्रत्यक्ष देख सकी छे उठम जाके कि अखन के समय में भी अपने के ओमे चल नहीं पाबी अपने के आँख में रोशनी मारी से पैर पकड़ी अपने के टाइल्स लगा के हम मंदिर के बौना बना दिली
छोट बना दिली मंदिर के हाइट कम कर दिली वो स्पष्ट देखा पड़ रहा है। दोसर अटैक उनकर भेल छै कि भीतर जाओ अपने के माता के गर्भगृह छै ओकर देवाल के अहाँ के फोड़ फोड़ के पौराणिकता के समाप्त कर रहा छी आधुनिकता अहाँ टाइल्स लगा रहा छी। तेसर अपने के आज तक हम सब कोनो मंदिर में नहीं देख लिए या मस्जिद में या मंदिर में कहीं पर नहीं देख लिए या चर्च में कि अहाँ के जगह जगह गतर गतर मंदिर के छेड़खानी करके किला काटी ठोक के आ वही में वायरिंग कैल अपने के जे आज जानकी माता के मंदिर के छेड़खानी करके जगह जगह देखे पूरा मंदिरे में अपने के किला काटी ठोक दिले छै। अध्यक्ष महासेठ ओहि समय में देशे में सबसँ पैघ आ उत्कृष्ट सौंदर्यता सहित जानकी मंदिर के निर्माता टीकमगढ़ के राज रानी के पहचान कतौ उल्लेख नहि भेनाय, लेकिन एखन अनावश्यक रूप से मंदिर प्रांगण में विभिन्न प्रचार प्रसार के सामग्री रखनाय गलत भेल आरोप लगौलनि अछि। महारानी तिनकर कहीं पर नामो निशान नहीं छै, ने फोटो छै गाहके आ ई मामूली टाइल्स के ओहो टाइल्स लगवा के हम मंदिर के ध्वस्त करवा रहल छी, पौराणिकता समाप्त करवा रहल छियै आ ओकर सिंहासन छै जे काल्हिखन लिखतै मोहम्मद लाल बाबू राउत के गद्दी कहि के प्लेट लगतै, ई बहुत ई गलत काज के लिए कि अहाँ सब गार्जियन छी, अहाँ सबके रोके के चाही, अहाँ के बिना इजाज से अहाँ एगो आम सभा नहीं कर दै छी, ककरो रोकै छी कि हम इजाज क्यों कहै छियै तऽ ओ केना कहलकै, कोई कोन हिसाबे छेड़खानी करतै आ कोन हिसाबे सौंदर्यीकरण कहलकै कहिके तऽ हमरा की कहै छथि हम स्पष्ट करब अपने सब मीडिया के सामने कि जगदीश जी अपने विरोध नहीं करियौ न तो 9 करोड़ रुपया आ रहा है जिसे चल जाते, हम कहे के मतलब है कि हम पैसा के चलते मंदिरों के बेच दियो। महासेठ जानकी मंदिर के जिम्मेवारी पौने महंत सब के कारण से हो ई विकृति सब भ रहल भेलो पर महंत सब मौन बैसनाय गलत रहल बतौलनि। जिम्मेवारी में सब नेपालवासी देले छिए से दोषी भेले, किएक तऽ हमरा घर में कोई बिना पूछिल हमरा घर पर तोड़ दे लगानी करत ओहिमे कितनों कहत अगर हम सोना के ईटा बना दी छी हमरा से इजाजत लिए करते ना, ओ भेल अहाँके दोषी। दोसर दोषी हम एहिठाम जे जन समुदाय भी छी जे चुपचाप देख रहल छी एहिठाम के जनकपुर जते लूट लिअ जते मंदिर के बेच दिअ जते मंदिर के तोड़ दिअ, लेकिन हम देख रहल छी कि कोई आगे कह देत कहते एहिठाम की है खाना बना दियो खाना खुआ दियो हाथ धोआ दियो भेद सुता दियो दू भेद। तेसर अहाँ के एहिठाम के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत ओ अहाँ के एगो बहाना में कि एहिमे हम 9 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करके सौंदर्यीकरण कर रहल छी आ ओहि के भीतर अहाँ के और अन्य जगह अहाँ के 30-35 करोड़ रुपया खर्च के लगानी कर रहल छी आ एहि जगह अहाँ के एकरा सौंदर्यीकरण कर रहल छी। महासेठ जानकी मंदिर के हित में अपना गृह मंत्रालय धरि विभिन्न मांग सहित पहुंचल प्रमाण सब देखबैत जानकी मंदिर के संरक्षण में सबके एकजुट होब आग्रह कलन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब आंदोलित भेल अछि। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब अपन सबक जबरदस्ती नामकरण करबैत पढ़ाई लिखाई नहि भेल कहैत सड़क में आंदोलन में उतरल अछि। विद्यार्थी सब बिना पढ़ाई लिखाई अपना सब के सेमेस्टर पूरा होत परीक्षा समेत एला से अपना सब संकट में पड़ल बतौलक अछि। के भीतर में खुलता ही नै त नै हम सब दिन करैले में सोत त लगैबे अइ से जे नेता के क्षमता होते ओकरो तह लगावे वाला विद्यार्थी एकता जिंदाबाद हमरो बात पूरा हम बनाई यही छ कि हमरो भिजी कहाँ छ कैंपस रजिस्ट्रार हमारे कैंपस चिप ले बनते कि मेरे मेरे हक में अधिकार में अधिकार है छेन वो बनते भिसी ला पता सर कोई बनते डीन ला पता सर हम इसे कई मतलब सर हम को पढ़ाई शुरू नहीं पड़ी हो हम एक सेमेस्टर एक एक दिन को महत्व हो तर हमारा भिसी ला पता हो सेमेस्टर है समझ सकी सकू पड़ने हो हमारे कोर्स सब सकि सकने पड़ने हो तर हम कोर्स अदसम बाकी हमी बाकी भर भी अब दस दिवाली को छुट्टी हो छुट्टी समय हमें अब सेमेस्टर सके हमी 4 साल को कोर्स हम 8 साल में पढ़ना यहाँ एडमिशन लिखे हो यहाँ का पदाधिकारी यहाँ का प्रशासन ने। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक सब तालाबंदी सहित आंदोलन में रहले समय विद्यार्थी सब समेत अन्याय में पड़ल कहत तालाबंदी करत आंदोलित भेला बाद विश्वविद्यालय विवाद में आयल। पोखर में डूबकर सप्तरी में एक बालक के जान गेल।
विष्णुपुर गांवपालिका वार्ड 5 के 3 वर्षक रहमत अली के जान गेलै। घर के पूर्व में रहल पोखर में खेलत काल अचानक गिर के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी बतौलक। नेकपा एमाले के नेता एवं पूर्व गृह मंत्री रामबहादुर थापा बादल अपना माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल संग चुनाव लड़त तैयार रहल बतौलने। नेता बादल आगामी निर्वाचन में प्रचंड वर्सेज बादल होब सकबाक प्रतिक्रिया दिलन। शुक्र दिन चितवन के भरतपुर स्थित विमानस्थल में संचार कर्मी से राखल गेल जिज्ञासा के जवाब देवक क्रम में ओ एना बतौलने। नेपालको गुन्जाहरूको पछाडि लगाइरहेको छन् र उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी विचलनतिर चाहिँ उनीहरू गए राजनीतिक हिसाब किताब छन् र अहिले एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ सरकार गठन गरेका छन् र लोकतन्त्र अब राष्ट्रिय एकता र समाजवाद र समृद्धिको मार्गमा चाहिँ र नयाँ चुनौतीहरू चाहिँ यो प्रवृत्तिले चाहिँ खडा गरेको छ। नेता बादल पुष्पकमल दहाल पार्टी लाइन छोड़ला से राष्ट्रीयता विरोधी लोकतंत्र विरोधी आ देश के समृद्धि के विरोधी लाइन में लागल आरोप लगौलन। ओ सभामुख अग्नि सापकोटा पार्टी कार्यकर्ता के भूमिका में उठौने अपन पार्टी विरोधी अड़ान छोड़ के स्पष्ट कलन। ओ अपन पार्टी MCC के परिमार्जन सहित पारी कर परत कह के मान्यता में अड़िग रहल बतौलन। नेकपा एमाले पार्टी के विधान महाधिवेशन में पेश करवला प्रतिवेदन के मस्यौदा ऊपर छलफल कर 10 समूह निर्माण कलक। शुक्र दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैसल केंद्रीय कमेटी बैठक विधान महाधिवेशन में पेश करवला 3 प्रतिवेदन ऊपर छलफल कर 10 समूह निर्माण कलक। बैठक बाद पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई पार्टी अध्यक्ष KP ओली स्थायी कमेटी के बैठक में प्रस्तुत केने 3 प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिवेदन संगठनात्मक प्रतिवेदन आ विधान संशोधन संबंधी प्रतिवेदन सहित सुझाव सब केंद्रीय कमेटी बैठक में प्रस्तुत कयल जात बतौलन। ओ प्रतिवेदन ऊपर छलफल करब लेल 10 विभिन्न समूह में से 7 प्रदेश स्तरीय भौगोलिक समूह जन संगठन के देखवला पार्टी के इंचार्ज सबके 1 समूह विभागीय प्रमुख सबके समूह आ प्रदेश संपर्क कमेटी सबके उपत्यका विशेष कमेटी सब लगायत समूह सबके देखवला दोसर समूह निर्माण कयल गेल बतौलन। भट्टराई प्रतिवेदन पर विभिन्न समूह सब शनि दिन 1 धरि अध्ययन करैत आ 1 बजे वाला केंद्रीय कमेटी के बैठक में अपन सुझाव राखत बतौलन। बनाएको छ 7 भौगोलिक समूहहरू 7 प्रदेश का 1 नंबर प्रदेश देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्म 7 प्रदेश का 7 समूह छन् भने जनसंगठन लाई हेर्ने पार्टी का इन्चार्ज को जो केन्द्र सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा अलग्गै समूह छ। त्यसपछि विभागीय प्रमुख केन्द्र कमिटीका साथीहरूको अलग्गै प्रदेश छ समूह छ र अन्तिम 10 नम्बर चाहिँ यो विशेष प्रदेश छ जसमा सम्पर्क कमिटीहरू त्यसपछि उपत्यका विशेष कमिटी लगायतका विशेष जुन संरचनाहरू पार्टीका छन् ती विशेष संरचनाहरूलाई नेतृत्व गर्ने कमरेडहरूको अर्को एउटा समूह छ 10 समूह छ। विभाग प्रमुख भट्टराई शनि दिन दोपहर 1 बैसेवला पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक में समूहगत नेता सब अपन सुझाव दिला बाद प्रतिवेदन दस्तावेज के परिमार्जन करैत आसिन 15 गते आयोजन होवला विधान राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रस्तुत करबाक बतौलन। एमाले के विधान महाधिवेशन आगामी आसिन 15 गते से 17 गते धरि ललितपुर के गोदावरी स्थित सम्मेलन हॉल में होयत। नेपाली कांग्रेस के पार्टी के 14 महाधिवेशन के मिति नहीं घुसकाबाक स्पष्ट कयल गेल। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दल के बैठक में बैसल पार्टी के पदाधिकारी बैठक पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन मंगसिर 9-13 गते तोकले मिति में हेबाक प्रश्न कलक। बैठक से केंद्रीय महाधिवेशन के मिति घुसकेबाक प्रस्ताव पार्टी के कोनो भी पदाधिकारी नहीं केने जानकारी कराओल गेल। केही मिति अघि होला के पछि होला तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनका हामीले निर्धारण गरेका छौँ यस बारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मङ्सिरबाट अलिक पछाडिको जाने भयो कि कसैले प्रस्ताव पो राख्नु भयो कि भनेर खास गरी महामञ्जीको नाम भएर पनि आयो त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिगत रूपमा जान्छौँ। अहिलेका लागि चाहिँ 9 जे कार्यक्रम निर्धारित छ त्यो हुन्छ। हिमाली जिल्लाको हकमा पूर्व निर्धारित सेड्युल बमोजिम जान्छ। बैठक 9 गते शनि दिन निर्धारित समय में पार्टी के पालिका स्तरीय अधिवेशन हेबाक आ
ओहि के सफलतापूर्वक सम्पन्न कराब से समग्र पार्टी पंक्ति के आह्वान कल गल हिमाली जिला लगायत कतेको जिला में पालिका स्तरीय अधिवेशन के मिति घुसकेबाक अवस्था एला पर पार्टी जिला कार्य समिति के भावना अनुसार केंद्रीय निर्वाचन समिति से अनुमति ल कल जा सकबाक समेत ओ बतौलन। बैठक बाकी रहल 13 जिला के क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद तत्काल समाधान कर के निर्णय से कल। समाज कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सहित के पदाधिकारी सब पद से सामूहिक राजीनामा दिलक। परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर पद्म प्रसाद खतिवड़ा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती लगायत के बोर्ड सदस्य सब शुक्रदिन पत्रकार सम्मेलन करते अपना सब पद से सामूहिक राजीनामा देने जानकारी करौलक। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के समेत नेतृत्व लेने परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री शेर बहादुर दौआ परिषद के बजट पास करण नहीं देने आ केपी ओली नेतृत्व सरकार के पाला में नियुक्त भेल परिषद में कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी आ करार के कर्मचारी के मात्र म्याद थप कर नहीं दिला बाद अपना सब पद से राजीनामा देने परिषद के सदस्य सचिव खाती जानकारी दिलन। परिषद के उपाध्यक्ष खतिवड़ा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्य सब मानीमाया नेपाल, गोविंद बहादुर शाही, सुशील गेवाली, ब्रह्मध्वज गुरुंग आ डॉक्टर मणिराज बाजांगे केपी ओली नेतृत्व सरकार 2077 साल सावन 5 गते परिषद में नियुक्त केने छल। शुक्र दिन भोरे प्रधानमंत्री देवा के सामूहिक रूप से राजीनामा बुझाओल गेल। परिषद के उपाध्यक्ष खतिवड़ा सामाजिक उद्यमशीलता कोष स्थापना करत वही मार्फत उद्यमशीलता के विकास करत देश के समृद्ध बनाब दिशा में अपना सब महत्वपूर्ण काज आगा बढ़ौने बतौलन। अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ, हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, बैठक राख्न दिनु भएन अथवा परिस्थिति बनेन। हामीले बुझ्दा चाहिँ सम्मानज्यूको व्यस्तता भन्ने हिसाबले बुझ्यौँ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ होइन अरू विकल्पबाट जाउँ भनेको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतमा त्यसलाई चाहिँ पछिसम्म चाहिँ पास गर्ने गरी पनि लैजान सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था थियो, त्यो अन्तर्गत पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ बजेट फुकेन र त्यो बजेट नफुक्नुको एउटा कारण चाहिँ यहाँ झन्डै 35 अहिलेलाई 35 जनाको हाराहारीमा अस्थायी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको म्याथ थपको विषय थियो, हामी म्याथ थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियो। यो सरकार म्याथ थप खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्न, खास गरी हामीसँग सम्पर्कमा रहेका साथीहरू चाहिँ त्यो म्याथ थप गर्नुहुन्न र गर्दाखेरि पनि 75 भन्दा अगाडिको मात्रै गर्नुपर्छ भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री खतिवडा अपना सब परिषदकै विधिसम्मत ढङ्गसँग आगा बढाउन चाहला पर सरकार रोक्ने आक्रोश समेत व्यक्त कलेन। अपना सब उपर वर्तमान सरकार राजनीतिक प्रतिशोध लेने कहित राजीनामा देबके विकल्प नै रहल बतौलक अछि। इजरायल जाके लेल कहित आवेदन देने में से करीब 28 से गोटे नकली कागज पत्र पेश केने खुलासा भेल। वैदेशिक रोजगार विभाग ऑनलाइन से पड़ल आवेदन प्रमाणीकरण क्रम में 27 आवेदन फार्म अस्वीकृत केने बतौलक। संसद के उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति के वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक दीपक काफले देने जानकारी अनुसार 9,699 गोटे आवेदन देने छल, लेकिन परीक्षा में 7,009 जना मात्र सहभागी हो पहुँचल। ऐसा अपना सब नकली कहकर विश्लेषण सहित के प्रमाणीकरण ठीक रहल देखायल महानिर्देशक काफले बतौलन। विभाग के अनुसार भादो 28 गते भेल परीक्षा में 6,317 गोटे परीक्षा में सहभागी भेल छल, त कागज पत्र प्रमाणीकरण भेल में से 692 गोटे अनुपस्थित रहल। वैदेशिक रोजगार विभाग काठमांडू के विभिन्न 11 स्थान के 16 परीक्षा केन्द्र में परीक्षा लेने छल। उत्तर पुस्तिका के चिकित्सा शिक्षा आयोग में ल जात मशीने से जाँच के प्रविधि प्रयोग करत जाँच कैल गेल काफले बतौलन। रूपनदेही के बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड 3 के भूस्खलन पीड़ित स्थानीय सब भूस्खलन के रोकथाम करत स्थानीय के सुरक्षा कर सरकार संग मांग कलक। रूपनदेही जिला के बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड 3 स्थित ज्योति नगर आ लक्ष्मी नगर में आसिन 4 गते गेल भूस्खलन से क्षति भेल छल। स्थानीय के 3 दर्जन से बेसी घर भवन में क्षति पहुँचला से विस्थापित भेल आ धनमाल के समेत क्षति भेल। भूस्खलन के कारण ज्योति नगर आ लक्ष्मी नगर के सहयोग घर सब में क्षति पहुँचल। एखन विस्थापित परिवार के व्यवस्थापन के समस्या पड़ल तो साथे स्थानीय सब एखन भूस्खलन के कारण घर विहीन भेलो पर स्थानीय सरकार तथा प्रशासन सहयोग नहीं केने वो सब उपराग रखलक। एखनो भी पैघ भूस्खलन के संभावना रहला से भूस्खलन के उचित रोकथाम तथा न्यूनीकरण कहित स्थानीय के जनधन के रक्षा कर मांग कैल जा रहा है। हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गऱ्यौँ,
यसलाई चाहिँ सकभर सजिलो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो। अब यो भाग मात्र पन्छार खोलोको भाग मात्र पन्छार हुँदैन, जुन माथिल्लो नै जोखिम बढी छ त्यहाँ गएर चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जुन खोलोमा त्यो पानी बग्नुपर्ने त्यही खोलोलममा यो चाहिँ यो पानीलाई चाहिँ तेर्साइदिनु पऱ्यो भन्ने हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। यसको माथिको अवस्थाको हेर्दाखेरिमा यसले कुनै दिन अझै अल्पनीय घटनाहरू घटाउन सक्ने सम्भावना छ, यसलाई सानोतिनो उसले चाहिँ यो रोक्ने अवस्था छैन माथिको। अब यसलाई चाहिँ यो न स्थानीय सरकारको काबुभन्दा यो बाहिर भइसकेको छ, प्रदेश र केन्द्रले नै केही पहल गर्यो भने यसको सम्भावना छ यो बस्ती जोगाउनलाई। पहिलो कुरो त बस्ती जोगाउने नै उत्तम हो, त्यसपछि त अरू केही त्यस पनि उपायले नै स्थानान्तरण गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर पहिलो कुरो यो त अहिलेको स्थितिमै स्थानीय सरकारले यसलाई खासै त्यति गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन, कि त्यो अवस्था चाहिँ त्यस्तो यस्तो साधन स्रोतले त्यो भ्याउला जस्तो लाग्दैन। अब केन्द्र र प्रदेश नै यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने अवस्था छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाकै मेयर शिवराज सुवेदी भूस्खलन गेला बाद तत्कालले बस्तीमा पहुँचल गिट्टी बालू लेदो हटेबाक काज कयल गेल बतौलनि। ओ उपमहानगरपालिकाकै जनधनके सुरक्षा पहिल प्राथमिकता दैत कहैत क्षति होबसँ रोकऽके लेल काज कयल जा रहल बतौलनि। भूस्खलन रोकथाम तथा न्यूनीकरणके लेल राष्ट्रपति चूरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत रहलासँ अन्य निकायसँ सेहो समन्वय हेबामे बैठक जारी आवश्यक करैत काज के तैयारी कयल जा रहल बतौलनि अछि। लक्ष्मीनगरमा चाहिँ देखियो 14 गते हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति प्राविधिकको सल्लाह अनुसार आएको लेदो ढुङ्गा त्यहाँका चाहिँ काठ दाउरा आदि इत्यादि पन्छाउने कामको सुरुवात गऱ्यौँ र पहिलो प्राथमिकतामा हामीले त्यहाँको चाहिँ धनजनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दियौँ र हाम्रो नगर प्रहरी वडा समिति त्यहाँका सामाजिक अगुवा स्वयंसेवकहरू बुटोल उपमहानगर क्षेत्रभित्र रहनुभएका सुरक्षा निकायका सबै निकायहरूलाई परिचालन गरेर धनजनको सुरक्षा गर्ने र माथिबाट आएको पहिरोको व्यवस्थापन गर्नका लागि क्याम्पसको चौरमा त्यहाँको लेदो ढुङ्गा आदि इत्यादि जति माथिबाट बगेर आएको थियो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम निरन्तर हामीले अगाडि बढायौँ। फेरि पुनः त्यो काम हाम्रो जारी थियो, जारी हुँदाहुँदै फेरि अर्को ठाउँबाट विद्यालयभन्दा माथिबाट फेरि अर्को पहिरो ठुलो पहिरो आयो र त्यो पहिरोको पनि हामीले सडक अरू कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दैछौँ भने त्यसको त्यो राष्ट्रपति चुरेसँग सम्बन्धित भएको र जिल्ला विपद व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको निश्चित निकायको चाहिँ स्वीकृतिबाट मात्रै त्यहाँका चाहिँ कुनै पनि चिजवस्तुहरू निकालेर सफा गर्नुपर्ने भएको हुनाले भुटोल उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको पुनः बैठक बसेर हामीले चाहिँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधिसहित यहाँका सबै सुरक्षा निकाय सबैको बैठक बसेर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा चुरेर चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ सिडिओ कार्यालयको चाहिँ विपद जिल्ला स्तरीय विपद समितिको निर्णय भूस्खलनसँग विस्थापित सबके लागत सङ्कलन कयल जा रहल कहैत ओ लागत सङ्कलन बाद व्यवस्थापन कयल जायत बतौलनि। नेपालमा पहिल बेर सुरक्षित हेलमेट अभियान शुरू भेल अछि। शुक्र दिन काठमाडौँमा एक कार्यक्रमके बीच विश्व बैंकके उपाध्यक्ष हर्टविग स्काफर, सांसद योगेश भट्टराई, प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि कमिटीके सदस्य रंगमती शाही आ इन्दु शर्मा, बागमती प्रदेश सभा सांसद भावना सुवेदी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयके सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, वर्ल्ड बैंक नेपालके प्रतिनिधि फारिस हदाद संयुक्त रूपसँ हेलमेट सार्वजनिक कयलनि। इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ ऑटोमोबाइल्सके सहयोग आ वर्ल्ड बैंकके सहकार्यमे नेपाल ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन सुरक्षित हेलमेट अभियानके सञ्चालन कयलक अछि। एहि अभियान अन्तर्गत नेपाल भरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना करैत 300 बेसी हेलमेट वितरण कयल जायत। कार्यक्रममे विश्व बैंकके तरफसँ हर्टिज स्काफर सड़क दुर्घटनासँ नेपालके अर्थतन्त्रमे पर्ने प्रभाव आ ओहिके रोकथामके लेल आवश्यक कदम विषयमे अवगत करौने छलाह। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत के चर्चित गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी के अदालत में पेश कर से पहले राजधानी नया दिल्ली स्थित रोहिणी अदालत में गोली चलल। गोली लाग कर गैंगस्टर गोगी के जान गेल त क्रॉस फायरिंग में दू आक्रमणकारी के समेत मृत्यु भेल। बीबीसी बतौलक आक्रमणकारी वकील के भेष में आयल छल। घटना में एक महिला वकील सहित 3 गोटे घायल भेल। प्रहरी के स्पेशल सेल 2 वर्ष पहिने पकड़ने तिहाड़ जेल में रखने गोगी के मुद्दा में
शुक्र दिन पेशी भेला बाद रोहिणी अदालत आनल गेल छल। गोगी अपराध केने अकूत संपत्ति जमौने दिल्ली प्रहरी के दावी है। हुनक नेटवर्क में 50 से बेसी व्यक्ति सब काज कर रहल प्रहरी के कहब। आब स्पोर्ट्स न्यूज। किंग्स इलेवन काठमांडू ईपीएल खेल टोली आ जर्सी सार्वजनिक कलक। एवरेस्ट प्रीमियर लीग ईपीएल के चारिम संस्करण में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के समेटित बनल टोली शुक्र दिन एक कार्यक्रम के बीच सार्वजनिक कल गल। काठमांडू पहुंचल अफरीदी शनि दिन आ सोम दिन दू खेल मात्र खेलता। कार्यक्रम में किंग्स इलेवन से खेल वाला काठमांडू पहुंचल अफरीदी के नेपाल देने सम्मान अपना के खुशी बनौने वो बतौलन। कार्यक्रम में किंग्स इलेवन के कप्तान संदीप लामिछा ने अफरीदी जेहन अनुभवी खिलाड़ी से टीम के सुखद नतीजा आयत बतौलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 9 कोरोना संक्रमित के जान गेल। देशभर थप 1476 गोटे में कोरोना संक्रमण। राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश आ ओहि के आधार में भेल दल दर्ता विरुद्ध पड़ल रिट में सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से अंतरिम आदेश देव अस्वीकार। अपना माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्कमल दहाल संग चुनाव लड़ तैयार रहल नेकपा एमाले के नेता एवं पूर्व गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादलक कहब। पार्टी के 14 महाधिवेशन के मिति नहीं घुसकत नेपाली कांग्रेस से स्पष्ट। आ इजराइल जाय के लेल कहत आवेदन देने में से करीब 28 से गोटे नकली कागज पत्र पेश केने खुलासा। बेस्त अपन न्यूज अखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।